इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सद्गुरु मेडिकोस, डॉक्टर रितेश ऑर्थो स्पेशलिस्ट। एवरी संडे 11 AM to 3 PM सद्गुरु मेडिकोस नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा। डॉक्टर नितिका बाली शर्मा MBBS DGO गायनोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर। एवरी मंडे एंड थर्सडे, अपॉइंटमेंट नंबर 8492093988। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण शर्मा। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की। इस दौरान उन्होंने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। किसानों के साथ संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कृषि सुधारों के फायदे गिनवाए। पीएम मोदी के इस संबोधन को घगवाल ब्लॉक में सुना गया और साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मंडल प्रधान कुलभूषण सिंह, BDC चेयरमैन राजपुरा राधेकृष्ण, पूर्व राज्य मंत्री रशपाल वर्मा, DDC मेंबर घगवाल सुरेश कुमार फल्ली, DDC मेंबर राजपुरा आशा रानी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गीता भगत, वरिष्ठ नेता प्रकाश शर्मा, जिला सचिव किशोर शर्मा, मंडल के तीनों महामंत्री केशव खजूरिया, राजेश शर्मा, धर्मपाल शर्मा और बहुत सारे सरपंच और पंच और साथ ही किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। की भारत माता की सारे कोला पहले बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। साढ़े दो कौंसलर साढ़े बीच बैठे दे आ, सुरेश कुमार फली जी और मैं बड़ी बड़ी मुबारक दिना ते आशा मैडम होने भी उदे कने आज सरवरी वाजपेयी उंदा भी आज जेडी असे इंदा दिन मनाने है। जब मैं छोटा मैं शुरू कोला के इंदा भाषण सुना करदा हा ते उंदे कोला के प्रेरणा मिली कि आज मैं सरपंच बनिया छोटी उम्र च भी ते सारी भारतीय जनता पार्टी का भी मैं बड़ा बड़ा इंदा धन्यवाद करना कि इस पार्टी का भी बड़ा सहयोग मिलया। इन्नी गल आखदे मैं एक दो नारा लाना ते अपनी बानी इत्थे विराम लांग। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद जय भारत, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिंदाबाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिंदाबाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे। सारे जी मेरी तरफा नमस्कार। आज इस मौके ऊपर सारे अस इकट्ठे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जोड़ा उद्घाटन किया, 18,000 करोड़ रुपया जिमीदारों के खाते च पाया, 9,000 करोड़ जिमीदार की फायदा मिलया। जड़िया सरकार ये गल आखदियां हाँ कि कुछ नहीं मिला था, अज उन्हें हड़ताल करा दे, सब जिमीदारें की भड़काया जा रहा, साड़ा सामना सब कुछ असें सुनया। बाकी जड़ा सारे तुसें सहयोग दिता उदा ते सारे दा धन्यवाद। अज अस सारे कट्ठे होइए, जियां इस वेला सारे कट्ठे होने, सारे एकजुट होइए चलना और पार्टी दा जड़ा है ना नाम रोशन करना। सारे एकजुट नहीं होगे तो अस कुछ नहीं है, ठीक है। सारे कुछ तो कुछ रोश होंदा, कुछ होंदा, लेकिन असें सारे दा हुण शुक्रिया अदा करने हैं क्योंकि सारे साढ़े साथ दित्ते दा। कुसा ने भी ये गल नहीं है कि कोई टाइम जिसी जिन्ना टाइम लगे हुण साढ़े कन्ने चले। बाकी ज़्यादा नहीं कुछ आदि हुई, अज असें अटल बिहारी वाजपेयी जी 96वां जन्मदिन है इंदा, श्रद्धा सुमन फुल चढ़ाने न और सारे ओहदे बाद चाह पीने। जय हिंद जय भारत। जय श्री राम, बंदे मातरम। मैं गीता भगत, जिला कठुआ, महिला मोर्चा अध्यक्ष। अच्छा, एक घगवाल मंडल की तरफों एक
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮਾਨਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ 370 ਹੋਏ 35 ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਲੋਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 370 ਅਤੇ 35 ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਇਆ मैम जो सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो 28 में से 26 सीटें जो बीजेपी की वो हासिल हुई हैं तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां रहेंगी अब बीजेपी की युवा के लिए देखिए उस आप खुद ही देखिए अभी जो किसानों को हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने संबोधित किया और उसी तरीके से आप देखिए ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो भी हमारा एक सेंटर से जो भी स्कीमें आएगी युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए तो जो भी हमें मतलब संगठन संदेश देगा जो भी हमें आदेश देगा हम उस तरीके से ही उन्हीं नीतियों का हम फॉलो करेंगे जय हिंद जय भारत मैं डीडीसी काउंसलर आशा रानी रायपुर ब्लॉक से मैं अपने सारे जो भी जिन्ने भी मेरे भ्रा ने मेरी जनता है मैं सारे का दिल की गहराइयों का शुक्रिया अदा करनी हाँ कि उन्हें मी इस काबल समझिया और बड़ी चढ़िया हिस्सा लिया इस वोट जेने मी दिते ना उन्हें अपनी समझो एक बड़ी का खुशकिस्मती का जोड़ा वो सबूत दिता है कि अपने प्रधानमंत्री होरें गी बड़ा अच्छा जोड़ा वो रिस्पांस दिता कि उन्हें 370 तोड़ी है 370 जी साढ़े तक कि अच्छा जोड़ा उन्हें कदम चुके दा हा उस कदम की असें उनका स्वागत करने और जनता ने पूरा जवाब समर्थन करने उनका पूरा जवाब दिता है पूरी साढ़े जम्मू च साड़ी जी जनता जी बड़ी खुश है और उन्हें बड़ी चढ़िया जोड़ा हिस्सा लिया और उन्हें जो पूरे वोट पाए ना मैं सारी जनता का तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करनी हाँ और मैं अटल बिहारी वाजपेई हुंदा भी यह सपना हा कि साड़ा जेड़ा जम्मू जेड़ा एक आजाद होए इन्हें जेड़े गुलामी कोलो जानि कि इन्ने चिरा दे अस जेड़ी इंदी गुलामी च बसे दे हे कि इन्हें असेंगी अपना अज तक कोई साड़ा हिंदू कोई सीएम भी नहीं बनन दित्ता सारे को बड़ी चीज़ यही मैं उंदे कन्नै कोई ये नहीं करा दी कि उंदा कोई विरोध असेंगी लेकिन सिर्फ यही कि उन्हें साड़े जम्मू कन्नै भेदभाव गै रखे दा हा अज अस अज सारे जिन्ने भी डीडीसी साढ़े काउंसलर आए हैं अस सारे गै किट्ठे होइयै एक अपने अपने जम्मू एक डिवेलपमेंट की तरफ लेई आगे अस अपने प्रधानमंत्री का सपना है साकार करगे जय हिंद जय भारत ऑनलाइन अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।